नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजेएम स्कूल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स, यहाँ पर देख लीजिए सरकारी नौकरी की बात करेंगे, जिसमें सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह, 1 लाख रुपए के करीब करीब, 1 लाख से कुछ पोस्ट में 1 लाख से ज़्यादा है, कुछ पोस्ट में 1 लाख से थोड़ी बहुत कम है, तो लगभग 1 लाख रुपये की सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई की बात करें, कितनी योग्यता होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप अनपढ़ भी हैं, आपने पढ़ाई नहीं की, तो भी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उस जॉब को कर सकते हैं और 1 लाख रुपए की सैलरी बड़े आराम से आपको मिल सकती है। तो वही गवर्नमेंट जॉब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक, सरकारी नौकरी, योग्यता है आपकी, अनपढ़ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन MA जो भी आपने कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, यानी पढ़ाई की इसमें ज़रूरत नहीं है। सैलरी 1 लाख प्रति माह, और सैलरी के अलावा भत्ता भी मिलता है, ठीक है, भत्ता वो भी इसमें आपको 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक भत्ता मिलता है, और सभी सरकारी सुविधाएँ भी मिलती हैं, जैसे टेलीफोन की सुविधा, रेलवे की सुविधा, ये सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, जो कि आमतौर पर सब बहुत सारी सरकारी नौकरियों में मिलती हैं, बहुत सारी में नहीं मिलती, लेकिन इसमें है, इसमें आपको मिलेंगी। हाइट कितनी चाहिए, ठीक है, आपको इसमें भत्ता मिलेगा, ठीक है, और हाइट की अगर बात करें तो हाइट आपकी कितनी भी हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, नो रिक्वायरमेंट। अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप सारी चीज़ें आप समझ गए, ठीक है, भत्ता भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, ठीक है, पेंशन भी मिलती है इसमें, ठीक, पेंशन भी मिलती है, तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप समझ गए कि योग्यता क्या होनी चाहिए, सैलरी लगभग 1 लाख के करीब है, योग्यता आपने देखा 5वीं 8वीं 10वीं, या अनपढ़ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाइट वेट का कोई इसमें चक्कर नहीं है, हाइट आपकी कितनी भी हो कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, वेट आपका कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, कौन से एग्जाम को आपको पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पर परीक्षा, ठीक है, परीक्षा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि इसमें किसी भी परीक्षा की ज़रूरत नहीं है, कोई परीक्षा आपको नहीं देनी है, बिना किसी एग्ज़ाम के 1 लाख रुपये प्रति माह की नौकरी आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये नौकरी है आपकी MLA, ठीक है, MLA और MP, ठीक है, MP आप MLA बन सकते हैं, यानी कि विधायक, आप सांसद बन सकते हैं, आप मंत्री बन सकते हैं, और ये 1 लाख रुपए की लगभग सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और पेंशन भी मिलती है, सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं, बंगला मिलेगा रहने के लिए, गाड़ी मिलेगी, टेलीफोन की सुविधा मिलेगी, बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी, पेंशन भी मिलेगी, सारी सरकारी सुविधाएँ आपको प्राप्त होती हैं। आप एक बार बन गए तो पेंशन भी आपको हमेशा मिलती रहेगी, सैलरी जो मिलती है वो तो मिलती ही मिलती है, 5 साल सरकारी नौकरी से बेहतर सुविधाएं इसमें मिलती हैं, इसको एज अ गवर्नमेंट जॉब कंसीडर तो नहीं करते, लेकिन सुविधाएं सरकारी नौकरी से ज़्यादा बेहतर होती हैं, मानते तो ये होते हैं सेवक, सेवक होते हैं ये, लेकिन सुविधाएँ सरकारी नौकरी जैसी या उससे भी बेहतर इनको मिलती हैं, तो आप सरकारी नौकरी के लिए परेशान हो उससे अच्छा है कि आप इसकी MP या MLA की तैयारी कर लें, और अगर आप एक बार भी बन जाते हैं, एक दिन के लिए भी बन जाते हैं, तो ये सारी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।